Hey guys, welcome. Hey guys, welcome to my channel. तो कैसे हो guys? आई होप सब अच्छी होंगी। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी एनिमे सीरीज के बारे में जिसका नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये सीरीज बहुत पॉपुलर है, बहुत मतलब बहुत, और मैं दावे से कह सकता हूँ आपके किसी ना किसी दोस्त ने ज़रूर देखी होगी। क्योंकि मैं जिस भी बंदे से पूछता था यार मुझे कोई रिकमेंड कर एनिमे सीरीज़ में देखना चाहता हूँ, तो इसका नाम वो ज़रूर रिकमेंड करता था। एंड मैंने इसको फिनिश कर दिया है। नेटफ्लिक्स बोलता है इसकी 3 सीज़न हैं, बट हैं सिर्फ 2 ही। एक जो मेगन ट्रेन आर्क है उसके ऊपर मूवी आई थी, उसके बाद उन्होंने 7 एपिसोड में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो एक सीरीज़ फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल है। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सारे सीजन्स की, तो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सीरीज़ थी। इसको मैं बेस्ट वन नहीं बोलूँगा जो मैंने अभी तक देखी है, बट बुरी भी नहीं है। एनिमेशन एंड और काफ़ी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सीरीज़ को बीट कर देती है, बट कई चीज़ें होती हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उनके बारे में आगे जाके बात करूँगा। तो चलिए स्टोरी से शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू। जब तेंजिरो जो मेन करेक्टर होता है पूरी सीरीज़ का, वो एक पहाड़ पार करके शहर कॉल बेचने जाता है, और जब वो दूसरे दिन वापस आता है तो उसके घर में खून ही खून होता है। वो देखता है उसके सारे फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है, एंड वहाँ पे उसकी सिस्टर ही अकेली ज़िंदा होती है जो उससे यंग होती है। उसको वो उठाता है कि मैं शहर लेके जाऊँगा, बट रास्ते में उसको पता लगता है कि वो डीमन बन चुकी है। एंड वहाँ पे एक डीमन स्लेयर आता है और वो उसको मारना चाहता है, बट किसी कारण उसको लाइक ये फील होता है कि ब्रदर एंड सिस्टर में बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में जाके वो एक दूसरे की मदद ही करेंगे। एंड उनको गाइडेंस देने के लिए वो अपने मास्टर के पास उनको भेजता है, एंड वो तेंजिरो को तैयार करने लगता है एक डीमन स्लेयर बनने के लिए। एंड उसके बीच में काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग थी, उसने उसको पार किया। उसके पास एक गिफ्ट था, उसका नाक, एंड उसकी हेल्प से उसने काफ़ी कम वक्त में, कम तो वक्त नहीं था वो, बट वो फाइनल सिलेक्शन में चला ही गया। एंड फाइनल सिलेक्शन में वो सिलेक्ट भी हो गया, 5 बंदे सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई एडवेंचर्स की, एडवेंचर डीमंस को मारने का। पहली बार उसको 3 डीमंस देखने को मिले, एंड उनको जब उन्होंने फिनिश किया तो एक बैक स्टोरी आपको देखने को मिली। वो शुरुआत में ठीक ठाक लगा, थोड़ी सी इमोशनल थी। इन दी एंड आप उसको एंड कर दोगे एंड आपको टेंजिरो का करेक्टर काफ़ी अच्छा लगेगा, बट बाद में जाके एक एपिसोड आता है जहाँ पे हमें डमरू वाला डीमन देखने को मिलता है, एंड जो काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट होता है टेंजिरो के हिसाब से, बट वो लोगों को मार भी रहा होता है, बहुत लोग उसने मारे होते हैं। एंड उसकी बैक स्टोरी दिखा के भी चलो कोई मतलब मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा वहाँ पे, बट उसी एपिसोड में एक नया करेक्टर आपके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, पीले बालों वाला। इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मैंने काफ़ी कोशिश की, एंड वो करेक्टर मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो कोशिश तो कर रहा था ह्यूमर क्रिएट करने की, बट वो हो नहीं रहा था। शायद बहुत सारे जानों का यहाँ पे व्यू कुछ अलग हो सकता है, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा। उसके साथ इनसुके एक करेक्टर हमारे सामने आया, वो भी काफ़ी शोर मचा रहा था, जो भी मुझे काफ़ी खास अच्छा लगा नहीं, बट कुछ क्वालिटीज़ थी उसमें जो बढ़िया थी, मतलब निडर रहना एंड फाइटिंग सीक्वेंस में लाइक उसकी वो पर्सनैलिटी अच्छी लगती है आपको, बट काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता था, इसी कारण मुझे वो करेक्टर भी अच्छा नहीं लगा। किसी प्रकार से हम वहाँ से निकले एंड पहुँचे उस माउंटेन पे जहाँ पे मकड़ियों को जाल था, एंड वहाँ पे जाके मुझे एक और इरिटेटिंग चीज़ मिली, वो थी हर एक डीमन की स्टोरी दिखाना। पहले तो वो उसकी माँ की स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन होता है वहाँ का उसकी स्टोरी सुनाते हैं। उसमें थोड़ी सी सेंस भी बनती है कि चलो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्टोरी दिखा दी इन्होंने, बट उसके बाद उसकी बहन की भी स्टोरी भी सुनाते हैं। मतलब 10-12 मिनट इन्होंने वैसे ही वेस्ट किए जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। वहाँ से किसी तरह टेंजिरो बच के चले गया, एंड उसके बाद सबको पता लग गया कि वो अपने पीछे डीमन लेके घूमता है। उसको सारे हशीरास के बीच में लाया गया, बोला गया कि तुमने एक क्राइम कमिट किया है तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, बट जो इनका सबसे ज़्यादा मेन बंदा होता है वो इसको किसी तरह बचा लेता है, एंड वहाँ से ये निकल जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर देता है, एंड फिर मेगन ट्रेन वाली सारी सीरीज़ हमारे सामने रखी जाती है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसमें जो फाइट्स होती हैं वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। पहले ड्रीम फाइट्स, अपने अंतर्मन की लड़ाई जो देख के मुझे बढ़िया लगा, मतलब थोड़ा सा यूनिकनेस थी, ऐसा नहीं था, ऐसी चीज़ हमने कभी देखी नहीं है,
बट फिर भी देख के अच्छा लगा। वो सपने दिखाने वाला बंदर तो जल्दी ही मर जाता है, बट उसके बाद हमारे सामने आता है मतलब टॉप रैंक डीमन, एंड उस फाइट में होता है उसके सामने हशीरा, जिसका करैक्टर हमें अच्छी तरीके से दिखाया गया इस पूरे 7 एपिसोड्स में, एंड आप काफ़ी कनेक्ट करते हो एज़ कम्पेयर टू इंसुके एंड वो पीले वालों वाले से। ये करैक्टर सबसे मुझे बढ़िया लगा था, बट अंत में एक सैड मोमेंट आती है, वो सबको बचाना चाहता था वहाँ पे, एंड जो उसका इंटेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसको देख के आपको गूज़बम्स फील होंगे। एंड वहीं पे मैं बात करूँगा एनिमेशन की, एनिमेशन तो बहुत ही बढ़िया है इस पूरे सीरीज़ में, जो आपको गूज़बम्स देगा, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ एनिमेशन ही है। एंड उसके साथ जो एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, मतलब जो स्ट्रगल होता है बंदे का वो रियल होता है, उसको देख के मज़ा आता है। अंत में जब क्यूंजरो की डेथ होती है, वो सीक्वेंस सही में आपको रुला देगा, मतलब इतना अच्छा लिखा गया है, इतना अच्छा प्रेजेंट किया गया है, जिसकी कोई हद नहीं है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की, जिसमें एक नया टॉप रैंक डीमन स्लेयर हशीरा हमारे सामने रखा जाता है, जो बंदा 3-3 बीबी रखता है, मतलब ओपी। उसके बाद अगर मैं उसकी वाइफ्स की ही बात करूं, तो उनका कोई इतना खास रोल नहीं था, मतलब यहाँ तो वो कैप्चर्ड थी या फिर मतलब वो सिर्फ शोर मचा रही थी वहाँ पे, बट उस बंदे का पास दिखाने के लिए उनकी एक अहमियत थी स्टोरी में। एंड अगर पूरे सीज़न की बात करूं, सीज़न 2 की 11 एपिसोड थे, चीज़ें आपको थोड़ी सी सेम लगेंगी बट बढ़िया होंगी। बढ़िया क्यों होंगी, क्योंकि लेंथ कम है, आपको करेक्टर्स के बारे में पहले से पता है, एंड वो डीमंस की स्टोरी इसमें भी दिखाई गई हैं बट कम है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट वाला एपिसोड होता है 11वां, जो 34 मिनट का होता है, बट लगभग 20 मिनट तो वो दो डीमंस की जो बहन भाई होते हैं उनकी बैक स्टोरी दिखाने लगते हैं। हाँ वो इमोशनल ज़रूर होती है, बट क्या ज़रूरत थी वहाँ पे उसकी, कुछ और दिखा देते, बट चलो उन्होंने वो दिखाया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, वो सबसे सही था, वो 11 के 11 एपिसोड एक तो फास्ट पेस थे, एंड उसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा, जो एनिमेशन होता है वो तो बहुत ही बढ़िया होता है, एंड जो फाइट होती है वो दोनों डीमंस के साथ, उनमें आपको पता लगेगा कि कितनी वो मेहनत कर रहे हैं एंड कितनी बार वो गिर रहे हैं उसके बाद उठ रहे हैं, एंड जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ होती है। इवन मुझे जैपनीज समझ नहीं आती, पर जब बंदा बोलता है तो आपको फील होता है, मतलब वैसे तो कोई डबिंग ही कर रहा है, बट फिर भी जब बंदा बोलता है तो आप फील करोगे उसको, वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो फाइटिंग सीक्वेंस थे, आप गिरते हो उसके बाद उठते हो, एंड वो पूरे गूज़बम्स देने वाली मोमेंट थी, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जिसको मैंने रिपीट कर करके देखा, इतना मुझे बढ़िया लग रहा था। एंड जो मोमेंट्स आती हैं, एक तो मैं टेंजिरो की बात करूँगा, जब वो पूरी अपने फादर वाली ट्रिक यूज़ करता है, बट इन दी एंड उसकी ब्रेथ ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे उसकी सिस्टर आती है जिसकी नई पावर्स आपको देखने को मिलती है, जिसको देख के भी काफ़ी मज़ा आता है। एंड हमारा बंदा जो सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रहा था मुझे, उसको इन्होंने सलाह ही दिया, एंड वो लगभग पूरे दूसरे सीजन में सो ही रहा था, एंड जब वो सो रहा होता है उसके पास पावर्स आ जाती हैं, एंड उसने मतलब मुझे काफ़ी बढ़िया लगा उसका करेक्टर, अगर ऐसा ही होता तो और बढ़िया होता। एंड इंसुके भी थोड़ा सीरियस लगा मुझे फाइट्स में, मतलब अच्छा लगा, मतलब उन्होंने थोड़ी सी डेवलपमेंट ज़रूर की, एंड मैं होप करता हूँ वो आगे भी करते रहें। एंड जब लास्ट की फाइट ख़त्म होती है, तो आपके सामने एक सस्पेंस भी खुलता है, जो डीमन स्लेयर क्रॉप का सबसे ऊपर था बंदा, हेड था, वो भाई है माइकल जैक्सन का, माइकल जैक्सन इस शो का, जो बंदा मतलब बॉस है पूरे डीमंस का, एंड उसकी पावर से ही, उसके कंट्रोल से ही बाकी सारे काम करते हैं। एंड वो सस्पेंस ठीक ठाक था, बढ़िया था, एंड उसके बाद एक काइंड होप आ गया सारे डीमन स्लेयर्स में कि हम टॉप टायर के डीमंस को भी मार सकते हैं। एंड उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, उनमें सबसे ऊपर आप एनिमेशन को रख दो, उसके साथ रख दो एक्शन सीक्वेंस को, एंड डायलॉग्स को रख दो। एंड अगर मैं स्टोरी की भी बात करूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यूनिक नहीं थी बट अच्छी लगी, बट हाँ फ्लॉज भी इसमें ज़रूर थे, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक पूरी सिटी तहस महस हो गई, एंड शायद उसका दर्द तो आपको फील हुआ ही होगा, बट उससे ज़्यादा उन्होंने फील कराने की कोशिश की उन डीमंस के दर्द को, तो मैं उसको एक नेगेटिव पॉइंट गिनूंगा। एंड एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूं, तो मुझे ह्यूमर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस चीज़ को एज ए ये ह्यूमर बेच रहे थे वो
वो काम नहीं करता। उसके बाद ये दो करेक्टर्स जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उसके बाद कुछ ऐसे एपिसोड्स भी थे जिनका कोई रेलेवेंस नहीं था स्टोरी के साथ, बट फिर भी वो डाले गए हैं इस सीरीज़ में जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से इसको आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, बट आपको एक चीज़ मेक श्योर रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि हाँ ये बेस्ट चीज़ नहीं है। बेस्ट माल देखना है तो अटैक ऑन टाइटन देखो जाके आपको, या फिर देखो वन पंच मैन, जो सही में एक बढ़िया पीस है जिनको देख के आपको ज़िंदगी का आनंद मिलेगा। बट अगर आपको एक एनिमे शो देखना है जो बढ़िया है, आपको कोई लेंथ का चक्कर नहीं है इतना, आप 26 एपिसोड भी देख लोगे जो सबसे ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं, उसके बाद वाले 18 एपिसोड देखने में इतना ज़्यादा आपका जोर नहीं लगेगा जितना पहले 26 एपिसोड देखने में आपका जोर लगेगा, क्योंकि काफ़ी इरिटेटिंग मोमेंट्स आती हैं फर्स्ट सीज़न में। एंड अगर आपको लेंथ का कोई चक्कर नहीं है, अगर आप सिर्फ एक बढ़िया एनिमेशन वाला एक्शन सीक्वेंस वाला शो देखना चाहते हो, तो ये वो शो है जिसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको बढ़िया लगेगा। एंड मेरे हिसाब से एक बढ़िया सीरीज़ है विद फ्लॉज, जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड यही था इस वीडियो में गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेक श्योर कीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। एंड आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने फेवरेट एनिमे, मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। एंड आज तो अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देखी है तो आपकी फेवरेट मोमेंट क्या थी इस पूरी सीरीज़ में, एंड आपका फेवरेट सीज़न कौन सा था, एपिसोड कौन सा था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन में गाइस। बी होपफुल, कीप डूइंग व्हाट यू लव। Late nights, been a long flight, stayed on, strange time, it's a